यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट के सिनेरियो को, डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स और डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो है, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, यूएस डॉलर INR के वर्सेस क्या कर रहा है, साथ ही साथ जो गोल्ड है, गोल्ड में अभी क्या हो रहा है, क्या सपोर्ट है, क्या रेसिस्टेंस है जिसके बाद गोल्ड में तेजी आ सकती है, तो सारी चीजें हम यहां पर चार्ट पे बात करेंगे। देखिए, हम न्यूज को बिल्कुल भी ट्रैक नहीं करते हैं, चार्ट पे हमें सब चीज दिख जाता है। याद रखिए, स्टॉक मार्केट को सीखने में वक्त आपको देना पड़ेगा। जितना आप अच्छा वक्त देंगे, जितना मार्केट में वक्त बिताएंगे, उतना ज्यादा आप यहाँ पर एक्सपर्ट होते जाएंगे। और जब आप अपना खुद का एनालिसिस करना सीखते हैं, तभी जाकर के आप यहाँ से अर्निंग कर पाएंगे। तो स्टॉक मार्केट को सीखने में वक्त दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो ग्लोबल मार्केट है उसको हम शॉर्टकट में फॉलो करते हैं, तो उसके लिए हम डॉ जोन्स को देखते हैं। देखिए, ग्लोबल मार्केट में जैसे हम डॉ जोन्स को फॉलो करते हैं और ब्राजील के इंडेक्स को फॉलो करते हैं, इस तरह से और डिफरेंट डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, डॉ जोन्स जो है यहाँ पर एक सपोर्ट के आसपास अप्रोक्स खड़ा है। यहाँ पर अगर इस लेवल पे देखिए, लगातार यहाँ पर हिट कर रहा है और इस सपोर्ट को और ऊपर जा रहा है, तो लगातार हिट कर रहा है और पहले भी इसके आसपास के रीजन से यहाँ पर रिजेक्ट होकर के ऊपर गया है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर डॉ जोन्स यहाँ पर 33,744 तक आ सकता है। अभी ये 34,584.85 के आसपास है, तो यहाँ पर 1000 पॉइंट का गिरावट हो सकता है अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो। फिलहाल यहाँ पर जो डॉ जोन्स है इसमें कोई मेजर गिरावट नहीं दिख रहा है जब तक इस सपोर्ट को लेवल को ब्रेक नहीं करता है तो। उसके बाद हमारा है यूएस डॉलर। देखिए, यूएस डॉलर जो है यहाँ पर डॉलर काफी कमजोर हुआ है फिलहाल के समय में। यहाँ पर डॉलर जो अपना हाई लगाया था वो करीब काफी समय पहले लगाया था और यहाँ पर जो हाई था वो 77 रुपीज के आसपास था। देखिए, 77.42 रुपीज यहाँ पर ये यूएस डॉलर INR का फ्यूचर है, तो थोड़ा सा हम एक्चुअल प्राइस जो होगा इससे डिफरेंट होगा, लेकिन आसपास ही होगा। और यहाँ पर देखिए, लगातार यहाँ पर डॉलर वीक होते गया, बीच में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी होता, अभी भी डॉलर काफी वीक है रुपया के कॉम्पिटिशन में। फिलहाल जो डॉलर का वैल्यू है रुपया के कॉम्पिटिशन में, तो एक डॉलर जो है 73.50 रुपीज के आसपास है। यहाँ पर USD INR यहाँ पर सपोर्ट लेकर, ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है यहाँ पर सपोर्ट लेकर फिलहाल ऊपर जाने की कोशिश करा और ये अभी रेंज बाउंड है। अगर इस अपर रेंज को ब्रेक करता है तो फिर जो है डॉलर काफी स्ट्रांग हो सकता है, अगर यहाँ सपोर्ट को ब्रेक करता है तो डॉलर वीक हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा देखा गया है डॉलर जो है स्ट्रांग ही हुआ है रुपये के कॉम्पेरिजन में। फिर बात आता है यहाँ पर बिटकॉइन का। देखिए, बिटकॉइन अभी जो ट्रेड कर रहा है वो है, ये USD में है, INR में हम नहीं देख रहे हैं, USD में देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक बिटकॉइन का जो वैल्यू है 47,000 बिटकॉइन्स के बराबर है, तो 47,000 डॉलर के बराबर है एक बिटकॉइन। और यहाँ पर अगर ये इस तरह सपोर्ट को ब्रेक करता है जो कि 43,000 डॉलर, तो यहाँ पर फर्दर एक बड़ी गिरावट बिटकॉइन में आ सकता है। 53,000 और यहाँ 43,000 इस रेंज में है, तो किसी भी रेंज को ब्रेक करता है, अपर साइड ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर जबरदस्त रेंज देखने मिलेगा, नीचे साइड ब्रेक करता है, सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो फिर हमें इसमें वीकनेस देखने मिल सकता है। अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीजें होती है कमोडिटी में वो होता है गोल्ड, गोल्ड को ट्रैक करना। तो देखिए, गोल्ड अभी जो यहाँ पर देखिए काफी जबरदस्त गिरावट पिछले 2 दिनों में देखने मिला है और गोल्ड यहाँ पर 45,000 के आसपास देखने मिल रहा है। ये कीमत 10 ग्राम गोल्ड का है 45,000 का और ये हमारा इंडियन रुपीज में है 45,000। तो यहाँ पर अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फर्दर हमें एक गिरावट देखने गोल्ड में देखने मिल सकता है। तो अभी गोल्ड वीक है, तो गिरावट में आप चाहें तो कभी भी ये सपोर्ट लेकर के, जैसे ये साइड पे झोकर के ऊपर जाता है तो आप मतलब जैसे आप मूवमेंट दिखाता है तो यहाँ पर आप गोल्ड को बाय कर सकते हैं। अगर गोल्ड को बेहतर होगा आप इसके ETF को बाय कर सकते हैं। अगर आप काफी लंबे समय के लिए गोल्ड को बाय करके रखना चाहते हैं तो आप गोल्ड के ETF बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर US डॉलर में बात करें तो अभी गोल्ड का जो प्राइस है वो
$1,745 है, मतलब 10 ग्राम गोल्ड का, तो मतलब जो ग्लोबल मार्केट में गोल्ड का प्राइस है, तो यहाँ पर ग्लोबल मार्केट को भी इंडियन मार्केट के भी प्राइस को आप फॉलो कर सकते हैं। और वहीं पर गोल्ड बीज की बात करें, जो ETF है गोल्ड का वो है गोल्ड बीज, निपुण इंडिया का गोल्ड बीज ETF, आप इसको बाय करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको बाय करना है। अब देखिए ETF का जो प्राइस है वो ₹40.20 है। अगर लॉन्ग टर्म में आप ETF का प्राइस का फ्लक्चुएशन देखेंगे तो ये एकदम गोल्ड के फ्यूचर को फॉलो करता है। तो गोल्ड के फ्यूचर को देख लीजिए, जो मतलब जो गोल्ड का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, या आप ETF को बाय कर लीजिए, दोनों सेम आपको पड़ेगा, तो क्यों ना आप ETF को ही बाय करें। यहाँ पर देखिए, अगर 2017 के 16 में अगर आप बाय किए रहते तो मात्र ETF का प्राइस 2016 में था ₹22-23 के आसपास, और वहां से ये हाई लगाया ₹49 का, तो लगभग 100% से ज्यादा का रिटर्न आपको 5 सालों में मिल जाता, तो काफी बेहतरीन है। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो आप गोल्ड के ETF को बाय कर सकते हैं। अब गोल्ड के ETF का सपोर्ट देखिए, यहाँ पर ₹40 के आसपास है, उसी तरह से जिस तरह से गोल्ड के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मैंने सपोर्ट देखा, जैसे यहाँ पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अपना सपोर्ट ब्रेक करता है, यहाँ पर ETF भी सपोर्ट ब्रेक करेगा, यहाँ पर एक फर्दर बड़ी गिरावट आ सकती है, जो कि इसको ₹38 तक यहाँ पर ETF आ सकता है। फिर आता है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल अभी जो करेंट प्राइस चल रहा है क्रूड ऑयल का, वो है ₹5,281। ये कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है क्रूड ऑयल का, इसे हम सिर्फ रिलेटिव प्राइस देखते हैं, जो पिछले रिलेटिव प्राइस था। देखिए यहाँ पर ये अपना जो हाई बनाया था जुलाई में वो था 5,700, तो वहाँ से अभी क्रूड ऑयल का प्राइस काफ़ी नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो मतलब अभी क्रूड ऑयल में फिलहाल जो है कोई जब बड़ी तेजी नहीं है, मतलब ये अपने ऑल टाइम हाई पे क्रूड ऑयल नहीं है, मतलब एक मीडियम रेंज में है। यहाँ से हम देखते हैं कि क्रूड ऑयल क्या कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ही मेजर इंस्ट्रूमेंट है जो कि ग्लोबल मार्केट को ऊपर और नीचे ले जाता है, तो क्रूड ऑयल को आपको ट्रैक करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में अगर क्रूड ऑयल में काफी तेजी है तो इससे जो रिलेटेड कंपनी है उसको काफी बेनिफिट होगा। तो अभी क्रूड ऑयल में कोई फिलहाल बड़ी गिरावट या कोई बड़ी तेजी नहीं है, तो बस इसी को आपको फॉलो करना है, ट्रैक करते रहना है। फिर अगला आते हैं निफ्टी पे, जो हमारा मेजर बेंचमार्क है, जिस बेंचमार्क को हम फॉलो करते हैं कि हमारा स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रहा है, तो स्टॉक मार्केट हमारा अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, हर चीज़ के लिए जो हम फॉलो करते हैं वो निफ्टी 50, क्योंकि निफ्टी 50 में जो हमारी प्रमुख 50 कंपनी है वो आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निफ्टी में पिछले दिन काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट देखने मिला है, तो अगर ये ऑल टाइम हाई भी बनाया पिछले दिन और वहाँ से ज़बरदस्त मतलब रिजेक्शन भी मिला, तो जो 17,792 है उसके ऊपर क्रॉस करता है तो फिर हम इसमें बुलिश हो सकते हैं, या यहाँ से जो इसका सपोर्ट लेवल है 17,250, यहाँ तक हो सकता है इसमें गिरावट देखने मिले। अगर यहाँ पर एक साइडवेज मोमेंटम करने के बाद निफ्टी ऊपर के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर स्ट्रांग मोमेंटम दिखा सकता है, और अगर यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक करता है तो फिर हमें एक कोई बड़ी गिरावट भी देखने मिल सकती है। फिलहाल हम यहाँ पर निफ्टी में ना तो बुलिश हैं ना तो बेरिश, जब तक हम 17,800 के ऊपर नहीं चले जाते तो बुलिश नहीं होंगे, और जब तक हम 17,250 को ब्रेक नहीं कर देते तब तक हम इसमें बेरिश नहीं हो सकते। तो सारा चीज यहाँ पर हम चार्ट पे फॉलो करते हैं, तो आपको चार्ट पे ही हम बता रहे हैं। फिर अगला है निफ्टी नेक्स्ट 50, जिसको हम निफ्टी जूनियर भी कहते हैं। देखिए निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनियां हैं, उसके बाद जो 50 बेहतरीन कंपनियां वो हमारा नेक्स्ट 50 में है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें भी काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट पिछले दिन देखने मिला, ये भी अपना ऑल टाइम हाई लगाया, उसके बाद ज़बरदस्त यहाँ से रिजेक्शन देखने मिला, तो ये भी जब तक 42,175 उसको ब्रेक नहीं कर देता है तब तक हम इसमें साइडवेज होंगे। तो अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हमें यहाँ पर जो 40,200 है इसका सपोर्ट यहाँ पर देखने मिलता है, तो इस सपोर्ट तक आ सकते हैं, और अगर हम यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं ऊपर के रेजिस्टेंस को 43,650, तो फिर हम इसमें बुलिश हो जाएंगे। उसके बाद सेंसेक्स में भी वही सिनेरियो है, अगर सेंसेक्स हमारा 59,730 के ऊपर निकलता है तो बुलिश होंगे, और अगर यहाँ पर कोई बड़ी गिरावट आती है तो हमारा जो सपोर्ट होगा 57,920 का, और इसको ब्रेक करते हैं तो फिर हम नेक्स्ट इसमें सपोर्ट देखते हैं वो 54,000 के आसपास या 53,250 के पास, तो यहाँ पर सपोर्ट रीजन होगा जो कि काफ़ी नीचे है। तो देखते हैं क्या आने वाले समय में, मतलब अगले वीक हमारा ये मार्केट बता देगा कि हम साइडवेज हैं या किसी रेंज को ब्रेक करते हैं, ऊपर रेंज को ब्रेक करेंगे तो बुलिश होंगे,
अगर नीचे के रेंज को ब्रेक करते हैं तो हम बेरिश हो जाएंगे। फिर उसके बाद आते हैं बैंक निफ्टी पे, तो बैंक निफ्टी देखिए जबरदस्त यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। अगर बैंक निफ्टी अगर यहाँ पर काफी बड़ा गिरावट दिखाता पिछले दिन तो हम और ज्यादा निफ्टी में गिरावट होता हुआ देखने मिलते हैं, लेकिन बैंक स्टॉक अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर देखिए बैंक अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर चुका है और यहाँ पर उसके ऊपर सस्टेन भी किया है। पिछला जो ऑल टाइम हाई था वो था 37,675, तो इसके ऊपर हम सस्टेन करने में सफल हुए हैं। तो अगर यहाँ पर हम ऊपर सस्टेन कर जाते हैं, ऊपर ट्रेड करते हैं, फिर यहाँ पर तेजी दिखाते हैं तो काफी बेहतरीन बैंक निफ्टी में यहाँ तेजी देखने मिलेगा। तो बैंक निफ्टी में जब तेजी होगा तो ये निफ्टी को भी ऊपर लेके जाएगा। तो फिलहाल बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी के जो स्टॉक है वो भी काफी स्ट्रांग है, तो बैंक निफ्टी के स्टॉक को अभी आप बाय कर सकते हैं अगर बैंक निफ्टी में आपको तेजी देखने मिलता है, जिसमें सबसे पहला जो लीडिंग बैंक है वो कोटक बैंक। उसके बाद आते हैं निफ्टी मिड कैप पर। देखिए निफ्टी मिड कैप यहाँ पर जब निफ्टी 50 गिरा तो निफ्टी मिड कैप में तो काफी जबरदस्त यहाँ पर धुलाई हुआ है। तो देखिए जैसे निफ्टी में गिरावट होता है मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको जबरदस्त गिरावट देखने मिलेगा। तो इसका जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पर वो है 7,820 और इस सपोर्ट तक ये यहाँ पर हो सकता है, आ सकता है। फिर यहाँ पर अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट है 7,135 और अगर यहाँ पर हम 8,250 को क्रॉस कर जाते हैं फिर यहाँ पर हम जबरदस्त रूप से यहाँ पर बुलिश हो सकते हैं। फिर अगला है निफ्टी स्मॉल कैप। तो निफ्टी स्मॉल कैप इसमें भी देखिए जबरदस्त गिरावट देखने मिला है और इसका जो रेसिस्टेंस लेवल है वो 5,463 और अगर इसको क्रॉस करता है तो फिर जबरदस्त हम यहाँ पर बुलिश रहोगे। और फिर यहाँ पर नीचे आते हैं तो जो सपोर्ट रीजन बन के आता है वो है 5,171, तो ये हमारा सपोर्ट रीजन है। और इस सपोर्ट रीजन को ब्रेक करते हैं तो फिर यहाँ पर हमारा जो अगला सपोर्ट आता है वह 4,775, तो ये हमारा सपोर्ट निकल के आता है। तो देखते हैं हम किस ओर जाते हैं। तो सारा का जो लीडिंग इंडेक्स है वो है निफ्टी 50। निफ्टी 50 हमारा अच्छा करता है तो निश्चित रूप से हम स्मॉल कैप और मिड कैप में भी तेजी देखने मिलेगा, लेकिन अगर निफ्टी में गिरावट होती है तो निश्चित रूप से स्मॉल कैप और मिड कैप का जबरदस्त धुलाई होने वाला है। तो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में प्रॉफिट आप बुक करते रहें क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। फिर अगला अलग इंडेक्स की बात करें तो कोई भी इंडेक्स ऐसा नहीं है जो पिछले दिन तेजी दिखाया है। देखिये निफ्टी MNC इसमें भी गिरावट हुआ, उसके बाद निफ्टी IT इसमें भी गिरावट देखने मिला, उसके बाद जो कंजप्शन है इसमें थोड़ा सा कम गिरावट देखने मिला, FMCG इसमें भी गिरावट देखने मिला, कंज्यूमर ड्यूरेबल इसमें भी देखने मिला, सर्विस सेक्टर इसमें भी गिरावट देखने मिला, फार्मा सेक्टर में तो जबरदस्त गिरावट हुआ, थोड़ा सा फाइनेंस सेक्टर यहाँ पर स्टेबल रहा, फाइनेंस सेक्टर में कोई बड़ी गिरावट देखने में देख सकते हैं। ये जो कैंडल यहाँ पर बनाया है वो साइन देता है कि फाइनेंस सेक्टर ना तो अभी बेयरिश है ना तो बुलिश है, मतलब जहाँ पर ओपन हुआ वहीं पर क्लोजिंग दिया है। तो फाइनेंस सेक्टर हो सकता है कि हमें आने वाले समय में तेजी देखने मिल सके। फिर यहाँ पर ऑटो सेक्टर में भी गिरावट देखने मिला, मेटा सेक्टर में काफ़ी ज़बरदस्त धुलाई होते हुआ देखने मिला, एनर्जी सेक्टर में भी ज़बरदस्त गिरावट, मीडिया सेक्टर में थोड़ा सा देख सकते हैं मीडिया सेक्टर स्ट्रांग रहा क्योंकि जी इंटरटेनमेंट में जो न्यूज है वो काफ़ी स्ट्रांग है। तो जी इंटरटेनमेंट के कारण यहाँ पर मीडिया सेक्टर में थोड़ा सा यहाँ पर तेजी देखने मिला था पिछले दिन मार्केट जब पूरा गिरावट में था। इंफ्रा सेक्टर में भी गिरावट, रियल्टी सेक्टर में ज़बरदस्त धुलाई, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस इसमें भी जबरदस्त गिरावट, कमोडिटी सेक्टर इसमें जबरदस्त देख सकते हैं गिरावट, पब्लिक सेक्टर बैंक इसमें तो जबरदस्त गिरावट देखने मिला, पब्लिक सेक्टर बैंक में ऐसे भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, यूटिलिटी सेक्टर इसमें भी गिरावट, टेलीकॉम सेक्टर इसमें थोड़ा सा देख सकते हैं तेजी देखने मिला वो एयरटेल के कारण, पावर सेक्टर में भी जबरदस्त गिरावट, ऑयल गैस में भी जबरदस्त गिरावट, एनर्जी सेक्टर में गिरावट। तो हर सेक्टर में यहाँ पर देख सकते हैं जबरदस्त धुलाई हुआ है। कुछ सेक्टर जैसे इंटरटेनमेंट सेक्टर हो गया, फाइनेंस सेक्टर हो गया, इसमें वीकनेस नहीं था। तो इन सेक्टर पर आपको ध्यान देना है जिसमें वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रांगनेस है गिरते हुए मार्केट में। तो हो सकता है ये सेक्टर जैसे निफ्टी में तेजी आती है तो परफॉर्म करता हुआ देखने मिले, तो आप इन फाइनेंस सेक्टर और इंटरटेनमेंट सेक्टर में जैसे जी इंटरटेनमेंट है इस पर ध्यान दे सकते हैं अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर को इस गिरावट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।